जुड़ी हुई है। आपने व्यापम स्कैम देखे या कोई भी स्कैम देखे, लगातार घोटाले घोटाले, तो आप अभी यहाँ का जो बेरोजगार है वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ये सिर्फ कोरी एक घोषणा है, शिगुफा है, 10 महीने बचे हैं सरकार के पास कुछ भी नहीं है कहने को और करने को। इनने लगातार हमारे युवा जो आपने देखे होंगे किस तरीके से लाठी डंडे खाए हैं, इंदौर में भी खाए हैं, लगातार प्रदर्शन करे हैं युवाओं ने, बेरोजगार युवाओं ने, तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। मतलब आप सोचिए किस तरीके से अभी छलने का काम कर रही है कि मैकेनिक की, मतलब कितने पढ़े लिखे युवा है, एमबीए करे, बी करे युवा, 10-10, 5-5 हजार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको किस तरीके से मैकेनिक और अलग अलग विभागों में नौकरी की बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये किस निचले स्तर पर जा चुकी है। दो बातें इसमें, एक तो या तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, फिर कोई घोटाला करना चाहते हैं, और दूसरी बात कि ये सिर्फ एक शगुफा है जनता को और युवाओं को ठगने का। एक शिकुफा है। दीपक विजयवर्गी सर, अभी अभी आप जुड़े हुए, आपका पहले स्वागत है। और सवाल आपसे कि कई ऐसे विभाग हैं जहां पर भर्तियां तो निकाली गई, जैसे कि वित्त विभाग ने भर्ती को मंजूरी दी, जनसंपर्क विभाग में, गैराज वहां पर नहीं, लेकिन मैकेनिक की मंजूरी यहां पर दी गई, शिक्षा संस्कृति और जेल विभाग में भर्तियां निकली, अजीबो गरीब ये कही जा रही है, प्रिंटिंग प्रेस के लिए मशीन मैन, फोर मैन की भर्ती निकली, प्रिंटिंग प्रेस बहुत सी जगहों पर बची ही नहीं, परिवहन, खेल, जनसंपर्क, ट्राइबल विभाग ने वाहन चालक की भर्ती निकाली, जबकि विभाग के पास खुद के वाहन बहुत कम है, इक्के दुक्के हैं, ज्यादातर आउटसोर्स किए जा रहे हैं। सवाल इसलिए यहां पर उठ रहा है और मौका यहां पर विपक्ष को इसलिए मिल रहा है, सर इसका जवाब कैसे भर्तियां होंगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जहां जिन विभागों में जरूरत है उसके मुताबिक भर्तियां निकाली गई हैं, तो जो भी भर्तियां निकली हैं वो भरी जाएंगी और उनकी जरूरत है इसलिए निकाली गई हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का चूंकि लोगों को काम देने से, लोगों को नौकरी देने से कोई वास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह की 1993 से लेकर 2003 तक रही, एक भी आदमी को नौकरी रखना तो अलग बात है, 28,000 दैनिक वेतनभोगियों को एक झटके में दिग्विजय सिंह ने नौकरी से बाहर कर दिया था। तो कांग्रेस का मध्य प्रदेश के किसी भी आदमी को रोजगार देने से 1990 के बाद से कोई संबंध नहीं है, पिछले 30 साल